हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ एक्सेल के मोस्ट यूज़फुल और मोस्ट यूज्ड फार्मूलास। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि टोटल मार्क्स की जो फार्मूला है वो क्या है और किस तरह हम मार्क्स की टोटल निकाल लेते हैं, और इसी तरह परसेंटेज, ग्रेड और पास और फेल भी हम सीख लेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आते हैं टोटल मार्क्स कैसे निकाल लेते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका शॉर्टकट तरीका बता दूंगा। इसके लिए हमें ये जो मार्क्स है इसको सेलेक्ट करना चाहिए, और ये जो सेल जहाँ पर हम टोटल लाना चाहते हैं, जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जब हम होम पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर हमारे पास ऑटो सम का ये ऑप्शन है। हम इस पर अगर क्लिक करेंगे तो इसका सम जो है या टोटल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको कॉपी करें, और इसी तरह कॉपी कंट्रोल सी के साथ, और इसके बाद सिलेक्शन करें इस तरह और कंट्रोल भी प्रेस करें, तो ये सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा तरीका ये है दोस्तों, मैं यहाँ पर ऑटो सम निकाल लेता हूँ। हाँ, दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर क्लिक करें और इसको इसी तरह स्क्रॉल डाउन करें तो इसका टोटल भी निकल जाएगा। अगर आप इसका सम या टोटल मार्क्स फार्मूले से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अभी आपको फार्मूला बता देता हूँ। इसके लिए हमें क्या लिखना चाहिए? इक्वल टू सम, उसके बाद ये ब्रैकेट जो है इसे कोल देना चाहिए। इसके बाद यहाँ जो फर्स्ट जो हमारे सेल है जिसमें अहमद की मार्क्स है, हमें यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर कोलोन डालेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक कर देना चाहिए। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये जो ब्रैकेट है हम इसे क्लोज़ करेंगे और प्रेस एंटर, और हम एंटर प्रेस करेंगे तो इसका टोटल मार्क्स आ जाएगा। इसी तरह हम इसे कॉपी करके बाकी जितने भी सेल्स हैं हमारे, हम यहाँ पर इसे डाल लेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और फार्मूला आता है परसेंटेज का। तो दोस्तों, परसेंटेज कैसे निकाली जा सकती है? एक्सेल में भी परसेंटेज हूबहू जिस तरह हम मैथमेटिक्स में निकाल लेते हैं उसी तरह यहाँ पर भी हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या कर देना चाहिए? हमें यहाँ पर इक्वल टू सम लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट खोलना है, उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें स्टेरिक का निशान डालना है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और 100 लिखना है। जब ये हो गया तो इसके बाद हमें डिवीजन स्लैश मार्क्स डालना है, और हमें मार्क्स ये सब्जेक्ट्स काउंट करने हैं। जैसे हमारे पास है 1 2 3 4 5, यहाँ पर मैं 500 लिख दूंगा क्योंकि जितने भी मार्क्स हमारे हैं यहाँ पर वो 100 से ले चुके हैं हम। तो इसके बाद हम ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये भी इसी तरह हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसका भी यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। ग्रेड के लिए कैसे करना है? ग्रेड के लिए मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट नोट ले ली है कि मैं जो भी स्टूडेंट उसकी मार्क्स 85 से अबव होगी या 85 के बराबर होगी तो उसको हम ए प्लस ग्रेड दे देंगे, और इसी तरह 70 और ग्रेटर देन 70 A, 60 और ग्रेटर देन 60 B, 50 और ग्रेटर देन 50 C, और जो 50 से 50 से नीचे होगा उसके लिए हम डी ग्रेड दे देंगे। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है इक्वल टू, इसके बाद हमें एफ डालना है और ये जो ब्रैकेट है हमें ये खोलना है। ये जो ग्रेड है दोस्तों, ये हम इस परसेंटेज से ले लेते हैं, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर क्लिक कर दूंगा एफ के 7। मैं कहूँगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं यहाँ पर 85 लिख दूंगा, 85, उसके बाद कामा मैं लिख दूंगा, और कामा के बाद मैं कोटेशन मार्क्स डालूंगा। इसमें मैं ए प्लस ग्रेड लिख दूंगा, ए प्लस, और हम फिर से इसे कोटेशन में ले लेंगे। तो दोस्तों, ये जो ए प्लस ग्रेड है इसके लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी जितने भी हमारे पास ग्रेड है, ए है, बी है, सी है और डी है, इसके लिए भी यही सेम करना पड़ता है। सिर्फ मैं यहाँ पर एक कॉमा डालूँगा और इसके बाद एफ़, इसी तरह इसके बाद ब्रैकेट हम खोल लेंगे, फिर यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा, फिर भी मैं यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन डालूँगा। उसके बाद हमारे पास जो मार्क्स है वो 70 है, फिर मैं कॉमा डाल लूँगा और कोटेशन मार्क्स इसमें मैं ए ग्रेड लिख देता हूँ, उसके बाद फिर से कॉमा, सेम यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। हाँ, तो ये इसी तरह हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हमारे पास है 60, फिर मैं यहाँ पर कॉमा डाल लेता हूँ, उसके बाद कोटेशन, और इसमें मेरे पास बी ग्रेड है, इसके बाद फिर से कॉमा, फिर एफ, फिर ओपन द ब्रैकेट, फिर ये और ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,
वी हैव 50, फिर कामा, फिर हमारे पास जो ग्रेड है वो सी है, फिर कामा, और उसके बाद फिर से एफ, और इसके बाद ये जो है हमारे पास ये है K7। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर जो मार्क्स हमने डाले थे वो ग्रेटर देन थे, अभी मैं स्मॉलर देन डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं 50 लिख दूंगा। ये मतलब जो भी मार्क्स मेरे 50 से नीचे होंगे तो उसके लिए हमें डी ग्रेड देना है। तो उसके बाद कामा, और उसके बाद कोटेशन, और उसके बाद डी कोटेशन। इतना तो हो गया। अभी जितने भी हमने ये ब्रैकेट्स खोले हैं तो इसको हमें अभी यहाँ पर बंद कर देना है। तो मैं यहाँ पर बंद कर दूंगा। देखो दोस्तों, हर किसी ब्रैकेट का अपना एक कलर होता है। अभी ये ग्रीन बंद हो गया। अभी मैं दूसरा बंद करूंगा तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये वाला बंद हो जाएगा। इसी तरह तीसरा, इसी तरह चौथा, देखो दोस्तों, और ये पांचवा। इसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास सी ग्रेड हो गया। इस तरह मैं इसको कॉपी करके और अभी ये सारे सेल्स पर अप्लाई कर दूंगा। ये हमारे पास ग्रेड आ गई। हाँ, तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें पास और फेल का जो एक फार्मूला है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ये भी बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन इससे कई आसान है, सिंपल। यहाँ पर हमें, हमारे पास दो कंडीशन है, या पास या फेल। तो इसके लिए मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट उसके मार्क्स 60 से कम हो तो उसको मतलब फेल करो, और जिसके मार्क्स 60 से बराबर, 60 के बराबर हो या 60 से ऊपर हो तो उसको पास लिख दो। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा कि इक्वल टू एफ। इसके बाद मैं ये ब्रैकेट खुलवाऊँगा, इसके बाद परसेंटेज पे मैं क्लिक कर दूँगा। मैं यहाँ पर ग्रेटर देन के मार्क्स लगा देता हूँ, और इक्वल टू 60। तो इसके बाद कामा, कोटेशन मार्क्स, और मैं लिख देता हूँ पास। इसके बाद कामा, इसके बाद फिर से एफ, हम यहाँ पर ब्रैकेट खुलवाएंगे, और उसके बाद ये K7 जो है ये डालेंगे। मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्मॉलर देन। हाँ, मैंने यहाँ पर बताया कि अगर 60 के बराबर हो या 60 से ऊपर हो तो उसके लिए पास लिखो। अगर K7 60 से कम हो, मतलब 59 एक से लेकर 59 तक हो, तो उसके लिए क्या करो, काम में डाल देता हूँ, और उसके लिए मैं फेल लिख देता हूँ। ये जो हो गया, तो इसके बाद हमें ब्रैकेट्स जो हमने खुलवाए थे ये बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये देखो दोस्तों, ये फेल मेरे पास आया। क्यों फेल आया, तो क्योंकि मैंने कंडीशन में बताया था कि अगर 60 से कम हो किसी के परसेंटेज तो उसको फेल करो। अभी मैं इसको सारे इन सेल्स पर अप्लाई करूँगा। तो देखो दोस्तों, मेरे पास दो फेल है, और बाकी जितने भी है ये जो है ये पास है। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। इस वीडियो में हमने टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, पास और फेल की जो फार्मूलिस थे उस पर हमने काम किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको मेरे नई वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहे।